चैनल परफेक्ट नॉलेज में, जैसा कि आपको पता है हमने पिछले वीडियो में आपको उदाहरण नंबर एक पढ़ाया था, आज उदाहरण नंबर उसका एक का पहला पार्ट करा था हमने पिछली वीडियो में, आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। देखिए वो पार्ट मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं बोर्ड पे इसे कर दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ लीजिए, तो हम अपनी बुक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो देखिए इन्होंने दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कि एक उद्योग है, उद्योग मतलब जहां पर खिलौने बनते हैं, ठीक है। चलिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कोमा कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, हम उस दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। आपको पता लगाना है इस सवाल में कि कितने खिलौने उस दिन बने हैं, और एक बात की कही है कि उस दिन जो खिलौने बने थे और उस दिन की जो लागत थी वो 55 में से घटा के थी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हमें मानना पड़ेगा, मानेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर है। हमने मान ली कि उस दिन एक्स खिलौने बने होंगे, तो ठीक है, तो उस दिन की लागत लिखेंगे इसी तरीके से कि उस दिन की उस दिन की प्रत्येक खिलौने की लागत बराबर। देखिए उसने शुरू में एक बात कही है कि 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी कि जो 55 में से घटा दो आप उस दिन खिलौने कितने बने, एक्स बने, ठीक है। कुल लागत निकाल देंगे, कुल लागत उस दिन, कुल लागत उस दिन कुल लागत कितनी होगी, देखिए जितने खिलौने बने होंगे उसकी गुणा कर देंगे उस दिन के पैसों से, तो 55 माइनस एक्स, यह हुई उस दिन की लागत, है ना। आप खिलौनों की संख्या उसके पैसों से तो गुणा करेंगे तभी तो लागत निकलेगी, तो ये हुआ, ठीक है। फिर प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार कुल लागत बराबर 750 में दी है, कुल लागत इसके अनुसार हमारे अनुसार कितनी है, ये है एक्स, 55 माइनस एक्स बराबर 750। देखिए इसे अब हल करेंगे हम, इससे गुणा करिए तो ये रहेगा 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इधर ठाकर आइए इसे, 55 एक्स 80 माइनस एक्स स्क्वायर 80 माइनस का 750 बराबर 0। देखिए ये एक्स जो प्लस का होना चाहिए इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो माइनस कॉमन ले, ये प्लस हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, 55 एक्स ये प्लस का हो जाएगा 750 बराबर 0। ये माइनस इधर चला जाएगा जीरो में, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ ला के देखो इन्होंने यही छोड़ रखा है, लेकिन ये प्रश्न ये 4.2 में फिर हम हल कराएंगे कि निम्न स्थिति जो उदाहरण नंबर एक में तुमने हल कीजिए, तो हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है। हम बताएंगे इसे कि कितने खिलौने बने थे। देखिए 750 की गुणा यहाँ करेंगे एक में, तो 750 आएगा, 750 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ के 55 आए, तो करिए फैक्टर, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से 6 2 से 3 14 2 5 10 3 से काट लिए, 3 का 3 3 9 6 3 5 15 5 से कट जाएगा, 5 2 10 5 5 25 5 5 25 कट गया 5। इन फैक्टर को ऐसे एडजस्ट कीजिए के जोड़ के तो 55 आना चाहिए, गुणा करके 750 आना चाहिए, तो देखिए करेंगे 5 15 15 गुणी
तीस और पाँच पंजे पच्चीस, तीस प्लस पच्चीस देखिए पचपन ही होंगे, तो हमें फैक्टर मिल गए। चलिए हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस तीस प्लस पच्चीस, एक्स प्लस सात सौ पचास ऐसे ही बराबर जीरो ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस कर लेंगे तीस एक्स माइनस पच्चीस एक्स प्लस के सात सौ पचास बराबर जीरो। देखिए इन दोनों को कॉमन बताइए, एक्स कॉमन है तो एक्स बचा माइनस तीस, इसमें माइनस के पच्चीस कॉमन है, एक्स माइनस तीस बचेगा। देखिए इसमें माइनस कॉमन था ये आ गया, इन दोनों में पच्चीस कॉमन था मैंने ले लिया माइनस का, ये माइनस ही प्लस बचा और ये माइनस के तीस ही बचेगा। आप चेक करके देखिए क्योंकि पच्चीस पिछहत्तर जीरो ऐसे, एक्स माइनस पच्चीस एक्स माइनस तीस बराबर जीरो, बराबर जीरो चलेगा। ये बार एक्स माइनस पच्चीस को जीरो रखेंगे, एक्स बराबर आएगा पच्चीस, ये बार एक्स माइनस तीस को जीरो रखेंगे, एक्स बराबर आएगा तीस। यानी कि मैं बात करूं तो हमारे दो मान निकल के फाइंड हुए हैं हमें। देखिए एक तो एक्स का है आया पच्चीस और एक आया तीस, यानी कि जो उस दिन खिलौने की संख्या है वो हम कह सकते हैं कि 25 होगी, ठीक है, या फिर 30, दोनों ही मान हमारे मान्य हैं। 25 होगी तो लागत पता चल जाएगी। हमसे जो सवाल में पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि उस दिन खिलौनों की संख्या हम जानना, हम उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो उस दिन खिलौनों की संख्या जो हुई है वो कितनी हुई है, 25 या फिर 30 हुई है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सवाल करना था, और कुछ नहीं बताना चाहे तो आप लागत भी काट सकते हैं उस दिन की, उस दिन की लागत इसमें धरेंगे देखो एक्स का मान तो लागत निकल जाएगी, ठीक है। खिलौनों की संख्या आई गई 25 या 30, ठीक है। तो मैं बोल खिलौनों की संख्या लागत नहीं काट रहा हूँ, मुझे खिलौनों की संख्या काट लेते तो लिख देंगे। आते हैं उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या की संख्या बराबर 25 या फिर 30, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो में लेंगे 4.2 के साथ। उससे पहले इसका दूसरा उदाहरण और है वो मैं और कर दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद 4.2 करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आसान है कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आज के लिए इतना ही, जय हिंद।